मथुरा की वृंदावन स्थित महिला आश्रय सदन चैतन्य विहार में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे आश्रय सदन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। वृंदावन में स्थित महिला आश्रय सदन चैतन्य विहार में 70 वर्षीय महिला गायत्री डे पिछले 7-8 साल से रह रही थी। अचानक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही महिला सदन में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। महिला आश्रय सदन में रहने वाली निराश्रित महिलाओं का जमकर शोषण किया जाता है। इस बारे में महिला सदन के प्रभारी का कहना है कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली है, इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। उनका कहना है कि पहले कार्यवाही हो जाने दीजिए, मैं कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ, कोई भी बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, मैं बाइट देने के उसमें नहीं है, पहले कार्रवाई हो जाने दीजिए। कार्रवाई ये महिला ने जो आत्महत्या की है जल्दी है। हाँ। क्या नाम है इसका? गायत्री नाम है इसका। ये कितनी उम्र होगी? 70 वर्ष। ये कब से है? ये यहाँ पे 7-8 साल से रह रही है। तो क्या कारण हुआ, क्यों ऐसे? 15 लोगों के बीच में रहती है, उस कमरे की माताएं बताएं, हमें तो सुबह 9 बजे माताओं ने हल्ला मचाया कि वो सीढ़ी के ऊपर मृत पाई गई है। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लोग जो यहाँ से फोन कर रहे हैं उनका कहना ये है कि जो प्रबंधक कौन फोन कर रहा है, मैंने फोन किया है, मैंने पुलिस को बता रहे हैं। आप अपनी मनमानी करते हैं महिलाओं को जो फोन कर रहे हैं। भैया आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, हम तो और भी माताओं से इंटरव्यू आप ले सकते हैं। हम सबके साथ एक से ऐसा व्यवहार करते हैं, हम किसी के साथ नहीं है। यहाँ वार्डन बने हुए हैं, हमारा डायरेक्ट माताओं से वो नहीं है, हमारा केवल मैनेजमेंट से मेन वो है, वार्डन है, नर्स हैं, सारे लोग हैं, हमारा डायरेक्ट माताओं से बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है।